तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, तमाम नेता मौजूद यहां शौर्य स्मारक पर पहुंचकर, आज चूंकि विजय दिवस है तो लगातार देश भर में इसी के तहत कार्यक्रम आप देखेंगे, तमाम वरिष्ठजनों का पहुंचना हो रहा है। शौर्य दिवस के मौके पर शौर्य स्मारक में डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी उन तमाम सैनिकों को नमन करते हुए जिन्होंने विजय दिवस मनाने का यह अवसर हर देशवासी को दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शौर्य स्मारक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन कर रहे हैं शौर्य ज्योति को, जो उन वीरों की याद में जलाई गई है जिन्होंने विजय दिवस पर भारत को गौरवान्वित महसूस करवाया। साल 1971 16 दिसंबर का दिन, विजय दिवस, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध, वीरता प्रकट करते हुए देश के अनगिनत जवान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को फिलहाल आप देख रहे हैं, राजधानी भोपाल शौर्य स्मारक स्थल है जहां आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी, तमाम आज प्रशासनिक कार्य करने, तमाम सरकारी काम करने, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मोहन यादव शहीदों को नमन करने के लिए यहां पहुंचे। विजय दिवस के दिन आज की तस्वीरें बहुत ज्यादा खास, अलग अलग राज्यों में आप इसी प्रकार से कार्यक्रम देखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम ऐसी जगह जहां पर वीरों को नमन किया जा रहा है, राजनाथ सिंह भी आज पहुंचे तमाम नेताओं के साथ, सुनो वीर सपूतों को याद करते उन्होंने विजय दिवस के दौरान शहादत कबूल की देश की सुरक्षा के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का वो सिलसिला निश्चित ही आपको याद होगा। और ये डॉक्टर मोहन यादव शौर्य स्मारक पर शहीदों को नमन और इनकी शहादत याद करते हुए हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। इसी प्रकार का सिलसिला मोबाइल शौर्य दिवस हम सब के लिए आज का दिन बहुत विशेष महत्व का है। भारत के आज गौरव का दिवस है, खास करके बांग्लादेश पे जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर भारत ने विजय प्राप्त की थी और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट करके, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, और ये एक तरह से हमारे अपने पराक्रम की पराकाष्ठा भी थी कि इस युद्ध में जितनी द्रुत गति से सरकार के निर्णय का पालन करते हुए सेना ने अंजाम तक पहुंचाया कि तीनों क्षेत्रों में, तीनों तरह से, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, और 93,000 सैनिकों को बंदी बनाकर चंगेज खान और उनके पूरे प्लान को फेल करने का जो काम किया था, मैं आज के इस अवसर पर उस सारे बलिदानी अमर सैनिकों को भी स्मरण करना चाहूंगा जिनने भारत को यह गौरवशाली क्षण दिया है और हमको हमारी सेना पे गर्व है। सर, आज उज्जैन भारत दिवस पे उज्जैन से शुभारंभ किया जाएगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के मन की इच्छा है कि हम और काम करें, अच्छा काम करें, और उनने लगातार काम के प्रति और विकास के प्रति जो दृष्टि दी है, यही कारण है कि कई कई क्षेत्रों में भारत ने दुनिया में अपनी बहुत अच्छी स्थिति बनाई है। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने अपने अभी तक किए गए कामों के साथ साथ प्रदेश सरकार के काम किए गए वो भी, और जनता के आशा आकांक्षा के आधार पे और जनता के साथ नए लाभार्थियों को भी और नई योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए विकसित भारत की कल्पना करते हुए जो एक रथ यात्रा की पूरा कल्पना की है, मैंने कल उसके संबंध में दो बैठकें की है, परसों भी मीटिंग की है माननीय प्रधानमंत्री के उस स्वप्न को साकार करने के लिए कि प्रत्येक वर्ग तक इन सारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और शासन की योजनाओं को धरातल पर दिखाई देना चाहिए। अभी ये मैं खाली इसी बात पर समाप्त करता हूँ कि आज विकसित भारत यात्रा का बहुत अच्छे से हमने प्लान किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उज्जैन के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन यादव को आपने सुना, न सिर्फ आज शौर्य दिवस को साक्षी मानते हुए तमाम चीजों का जिक्र, बल्कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिक्र भी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से सीधे तौर पर बयान, एक तरफ शहीदों को नमन करते हुए नजर आए हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के
मन की बात का जिक्र उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि संकल्प यात्रा के तहत कई और विकास कार्य हों प्रदेश में और उन्हीं के इस मंशा को आगे बढ़ाने का काम मोहन यादव भी करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव आपको बताएं कि आज उज्जैन पहुंचने वाले हैं। उज्जैन में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज होगा, अलग अलग कार्यक्रम जिसके अंतर्गत 26 जनवरी 2024 तक होगा। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें बहुत खास हो जाती है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं किस तरह से नमन किया उन्होंने शहीदों को आज शौर्य दिवस और राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक पर पहुंचकर डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो ये तस्वीरें बेहद खास, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर मोहन यादव तमाम जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित।